So hi friends, आज हम स्केचर में कमांड टूल्स और कमांड की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट में जाके मैकेनिकल डिज़ाइन में जाके हम पार्ट डिज़ाइन में भी जा सकते हैं, हम स्केचर में भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्ट में चलेंगे। ये हमारे प्लेन्स हैं एक्स वाई जेड। तो ये हमारा स्केच में जाने के लिए लाइक हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी यूज दिस स्केच और हम स्केच एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। तो मेरे पास है ये एक एक्सरसाइज जिसमें ये एक सर्कल है 94 डाया, दूसरा सर्कल ये है 54 डाया। ठीक है, ये मुझे आपको पहले ये देखना आपको ड्राइंग पढ़ना कैसे है। यहाँ से ऑलमोस्ट सारी डायमेंशन दी हुई है, राइट। तो आपको बनाना कहाँ से है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूँगा, 54 डाया 94 डाया, यहाँ पे प्रोफाइल पे गया, सर्कल सिलेक्ट किया, यहाँ पे गया एक सर्कल, यहाँ पे गया दूसरा सर्कल, यहाँ पे गया 54 आया दूसरे का था 94। ठीक है, ये हमारे दो सर्कल बन चुके हैं, 94 कटाया तो 54 कटाया। अब ये एक यहाँ पे ये सर्कल दिया हुआ है, सिक्स होल्स दिए हुए हैं, उनका डाया 12, सिक्स होल्स है। ठीक है, यहाँ पे एक और कमांड आएगी जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले ये नहीं बात नहीं बात बनाते हैं, पहले हम ये बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे है ये 36 और ये वाला जो रेडियस है वो 100 का है, यहाँ पे 36 सेंटर से ऑलमोस्ट 60 डिग्री है, ऑलमोस्ट नहीं 60 डिग्री है। तो हम पहले ये बनाएंगे, पहले हम एक आर्क बना लेते हैं सिंपल, जैसे आपको बताया था पर ये रह गई थी। ठीक है, ये यूज हो जाएगी यहाँ पे। इसके लिए यहाँ पे देखोगे सिलेक्ट अ पॉइंट और क्लिक टू डिफाइन द सर्कल सेंटर, सेंटर चाहिए होगा इसके लिए। यहाँ से वो डाया कितना था वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये और ये एंड पॉइंट, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि हम पॉइंट को सिमिट्री कर सकते हैं, ये दो पॉइंट सिलेक्ट किए, ये लाइन या एक्सिस बोल सकते हो वो सिलेक्ट करी हमने, यहाँ पे गए सिमेट्री, सिमेट्री से ये दोनों पॉइंट इस लाइन के इक्वल हो जाएंगे, इक्वल डिस्टेंस पे। जैसे यहाँ पे ये 30 डिग्री होगा तो यहाँ पे भी ये मतलब 30 डिग्री ही होगा। तो उसको चेक कर लेते हैं, सिंपल लाइन लेते हैं, यहाँ से ये लाइन ले ली और इसे कंस्ट्रक्शन में क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, अब इसका हम एंगल चेक करते हैं, यहाँ से ये एंगल 30 होना चाहिए जो कि हमें दिया हुआ था वहाँ पे, 30 डिग्री एंगल आ गया। इसे भी कंस्ट्रक्शन करते हैं क्योंकि हमें ये वाली लाइन थी ये सेंटर वाली, अब ये हमारे पास पॉइंट आ गया दोनों 30 30। अब यहाँ पे एक हाफ सर्कल है यहाँ पे और ये भी, ठीक है दो है, ये 23 रेडियस 12 रेडियस, फुल कर लेंगे हम बाद में, इसे कट कर सकते हैं। ठीक है, वो ट्रिम करना बता दूंगा मैं आपको। यहाँ पे गया, अभी देखो कंस्ट्रक्शन एलिमेंट में है, सिंपल में कन्वर्ट करेंगे एक और ये दो, मोस्ट जो हमने कमांड अभी सीखी थी वो यहीं पे यूज हो जाएंगी। ओके, फर्स्ट 12 रेडियस 23 रेडियस, मैंने आपको बताया था हम डाया को रेडियस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है,
तो वही अब यहाँ पे करेंगे हम डबल क्लिक, डायग को रेडियस में करूँ 26 आई थिंक 23 ठीक है, ये दो हमारे पास आ गए और इसका भी रेडियस था वो भी देख लेते हैं हम कितना था, ये था 100 कंस्ट्रेंट हो गया होती जैसे हमने दिया 100 ओके okay. अब सेम हमें इस साइड भी चाहिए लाइक यहाँ पे जो दिख रहा है ये इतना ये भी तो सेम इस साइड ही है तो इसको हम कर देंगे मिरर, सिमेट्री नहीं करेंगे, सिमेट्री करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा इस साइड आ जाएगा, तो हम इसे यहाँ पे एक कंट्रोल दबा के दूसरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे हम मिरर पे और ये हमारा एक्सेस रहेगा जिसके और ये हमारा यहाँ पे आ गया मिरर ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये वाली आर्क चाहिए 1 2 3 4 ठीक है, तो हम ये आर्क बनाएंगे तो हम गए यहाँ पे ये हम लेंगे पहले ये देखोगे खुद ऑटोमेटिकली ये इस लाइन के अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे हमें पॉइंट बता रहा है कि यहाँ से आप कर सकते हो ठीक है, एक यहाँ पे कोई लाइन नहीं है तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं बताएगा वो कि आपका ये हो जाएगा, तो हम सिंपल खुद ब खुद ले लेते हैं। अब इसे हमें टेंजेंसी करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखोगे स्मूथ है तो हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल दबा के यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे डायलॉग ट्वीट हो गया तो ये बता रहा है कंस्ट्रेंट कौन कौन से आप लगा सकते हैं, तो हमें क्या चाहिए टेंजेंसी चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए, सेम दूसरी साइड भी वैसे ही चाहिए कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करके टेंजेंसी तो हमारी टेंजेंसी आ गई है, सेम ऊपर वाली साइड भी सेम वैसे ही करेंगे हम, ये पॉइंट कहीं पर भी आप पॉइंट ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं, यहाँ से भी कर सकते हो डायमेंशन से भी, ये क्लिक किया राइट क्लिक किया यहाँ पे आप क्या आ गए टेंजेंसी, सेम यहाँ पे भी तो ये भी आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये आ जाएगा टेंजेंसी आ गई ठीक है। अभी ये कंस्ट्रेंट नहीं हुआ है क्योंकि इसे पता नहीं है कहाँ पे रुकना है, ये पॉइंट्स मूव कर रहे हैं अभी ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ये पॉइंट्स जो हैं ये पूरी इसी लाइन के अकॉर्डिंगली, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करो इंसिडेंट करोगे उस लाइन पे पहुँच जाएगा ये कंस्ट्रेंट में, सेम हमें इसके लिए भी सेम वैसे ही चाहिए, यहाँ पे जाएंगे हम सेलेक्ट करेंगे ये देखो आप देखोगे तो यहाँ पे टेंजेंसी खुद ही उठा रही है, जो सिंबल होता है ये टेंजेंसी का सिंबल होता है वहाँ पे खुद ही उठा रहा है ठीक है, क्लिक करेंगे यहाँ पे टेंजेंसी उठा ली यहाँ पे नहीं है, इसके लिए हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे करेंगे लेफ्ट क्लिक और यहाँ पे आ जाएगा हमारा टेंजेंसी ठीक है, सेम ऊपर के लिए हम वैसे ही करेंगे यहाँ पे देखो दूसरे से टेंजेंसी खुद ही आ गई, सिर्फ एक साइड का रहता है जाके टेंजेंसी ओके, ये टेंजेंसी हमारी बन गई, हम अब करेंगे ट्रिम तो इसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा ट्रिम पे जाना पड़ेगा और ये यहाँ पे आएगा क्विक ट्रिम पे जहाँ जहाँ पे आप क्लिक करोगे उतना एरिया जहाँ पे जैसे ये यहाँ पे कट कर रहा है इसे तो सिर्फ इतना ही एरिया जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पे ही क्लिक करूँगा, बार बार कमांड यूज़ करने के लिए हमें डबल क्लिक करना पड़ता है ये ठीक है क्लियर हो गया, इतना ही चाहिए था यहाँ पे भी ये भी नहीं चाहिए हमें ठीक है ये भी नहीं चाहिए ओके
एस्केप दबा दोगे यहाँ क्लिक करोगे तो कमांड हट जाएगी। तो इतना हमारा ये बन चुका है, अभी ये पोर्शन बन गया। अब ये चाहिए हमें, इसका यहाँ पे है 36 सेंटर से नहीं, पूरी पूरे जो डिस्टेंस है वो 36 है। ठीक है, तो बना लेते हैं हम एक साइड में बनाएंगे, दूसरी साइड में ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, हमें रेडियस भी चाहिए था, आई थिंक नाइन का, ये नीचे 9 का है, ऊपर 10 का है। यहाँ पे जाएंगे हम कॉर्नर पे, यहाँ पे हमारा आ गया 9 का, दोबारा से कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे, ये ऐसा क्यों बना, क्योंकि ये जो पार्ट है वो 3D वाला पार्ट है। अगर यहाँ पे हम ट्रिम ये कॉर्नर लगाएंगे तो ये लाइन नहीं रहेगी, तो यही आएगी, इसीलिए वो ऐसे होंगे। ठीक है, इतने को हम मिरर कर देंगे, मिरर इसके अलोंग आ गया। हाँ, अब एक और यहाँ पे कमांड है को यूज में आएगी, ये है ट्रिम में जाके क्लोज आर्क, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज कर देगा। ठीक है, जो भी आर्क ओपन हुई होगी वो क्लोज हो जाएगी। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी क्लोज हो गई है, नीचे से क्लोज आर्क वाला आपने सीख लिया, जो नहीं चाहिए उसे ट्रिम कर देंगे हम। वैसे हम ट्रिम इसे भी कर सकते हैं, बट आपको जैसे ड्राइंग में दिख रहा है वैसे दिखेगा तो थोड़ा सही रहेगा, बट वैसे ये ऐसे बनता नहीं है क्योंकि ये एक्सट्रूड नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको होलो स्पेस चाहिए होगा। 36 था आई थिंक, बाद में बताऊंगा क्यों नहीं हो पाएगा। ठीक है, 2D स्केच में तो बना सकते हैं, जब 3D में कन्वर्ट करना होगा तब आपको इशू आ सकता है, इसमें इशू आ नहीं सकता, इशू आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हमारा रह गया है सिर्फ ये 6 होल्स डाया 12। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इस लाइन को कट कर रहा है, यहाँ पे तो हम वैसे ही बनाएंगे, लाइन जैसे हमने क्लिक किया वो ऑटोमेटिकली उठा रही है। तो ये डाया था हमारा 12 का, ये यहाँ पे रेडियस है, क्लिक करोगे डाया पे चेंज करोगे 12। अभी यहाँ पे हमें 6 चाहिए, बट पहले इसका लेंथ भी हमें देखना पड़ेगा, ये सेंटर पॉइंट से कितना दूर है ये। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 74 है, इसको डाया कंसीडर कर सकते हैं कि इसके सेंटर पॉइंट से जा रहा है। ठीक है, एक और सर्कल देंगे हम यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट पे, और इसका जो लेंथ होगा वो 74 होगा। ऐसे कर देंगे हम कंस्ट्रक्शन में चेंज, क्योंकि हमें ऐसे की जरूरत नहीं है। अब आप जाओगे यहाँ पे और आपको कितनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 6 हैं, तो 5 और चाहिए आपको। जो अपना कैट
CATIA V5 का हायर वर्जन है 3D एक्सपीरियंस, वहाँ पे एक पैटर्न कमांड होती है, तो सिर्फ सिंपल क्लिक करोगे सर्कुलर में वो बन जाएगा। ठीक है, तो और लगा लेते हैं यहाँ पे, थिंक यहाँ पे भी होनी चाहिए, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है V5 को यूज़ किए हुए। तो अगर आपके पास कोई टूल बार नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको वो टूल बार मिल जाएगा, राइट। जैसे हमारा प्रोफाइल यहाँ से हट गया था, यहाँ पे क्लिक करोगे प्रॉपर्टीज, कुछ खुद ही ऐड करना हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, ये जो टिक है ये आपको दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो मैं वो बाद में बताऊँगा आपको, तुम्हें और चाहिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे चाहिए कंस्ट्रक्शन में चेंज हो गया है, ओके। एक 3D एक्सपीरियंस में कमांड है, जैसे आपने एक को डाया दे दिया, दूसरे को डायमेंशन में सिलेक्ट करके इक्वल करोगे तो उसका इक्वल लेंथ आ जाएगा, जिसे फंक्शन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो है। काम करो 360 डिवाइडेड बाय ये कर लो कितने 6 है, सिक्सटी के एंगल पे आएंगे। ठीक है, नाइन ले लो सिंपल, ओके ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे आप एंगल दे सकते हैं 60, ठीक है, ये कैसे 60 है, चेक, नहीं उसने कंस्ट्रेंट उठा लिया, तो यहाँ पे जाके हम ये कंस्ट्रेंट डिलीट कर देंगे। इसमें 3D में आप पैटर्न यूज कर सकते हो, इसे कंस्ट्रक्शन में चेंज कर लो, इसे भी कंस्ट्रक्शन में चेंज कर लो, मैं चेक करूंगा, अगर वो मुझे मिलेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, स्केचर में ऐड, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, ओके डायमेंशंस उसके आगे 12 सिंटैक्स एरर दे रहा है, ये भी आपका है, ये
ये आपका बन गया है, ठीक है। मैं आपको इसमें एक इशू बताऊंगा, जैसे ये तो स्केचर में 2D बनाने के लिए इट्स फाइन, जब आप इसको 3D में कन्वर्ट करोगे तब इशू होगा, क्योंकि यहाँ पे ये पोर्शन इसको कट कर रहा है। तो मैं आपको वही बताता हूँ, देखो सब कुछ सेम है, 30 डिग्री होल्ड आया, फुली कंस्ट्रेंट आया, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम एग्जिट करेंगे ये कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। और हम जब पैड करना चाहेंगे तो ये एरर देगा, ये देखो द सेलेक्टेड स्केच कंस्ट्रेंट सर्वल ओपन प्रोफाइल्स और सम ज्योमेट्री यूज फॉर कंस्ट्रक्शन यू मस्ट स्पेसिफाई, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे इशू था, यहाँ पे जाएंगे हम इस स्केच पे डबल क्लिक करेंगे, तो जब हम इसे कट करेंगे, ठीक है, और जब हम इसे कट करेंगे तो आप देखोगे ये इजीली पैड हो जाएगा, यहाँ पे जितना लेंथ चाहिए होगा हमें उसे बना देंगे, ये देखो। तो ये यहाँ पे इसलिए कट नहीं कर रहा था क्योंकि इसे स्पेस नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये जब तक ये एक स्केच में आप दो चीज़ों को विदाउट उसके नहीं कर सकते, यहाँ पे ये इतना कट कर रहा था, ये अलग बनता, ये अलग बनता, ये पोर्शन अलग, तो उसके लिए सिंगल ट्रैवल के लिए ये स्पेस चाहिए होता है, ये देखो ये इतना इतना ही पैड किया, ये जो है ये खाली स्पेस रहेगा, ये तो ये ऐसे होता है, हाँ ठीक है। तो ये था हमारा आज की एक्सरसाइज, और भी वीडियोस आने वाली हैं इसमें, तो आप वेट कीजिए, ओके बाय।